పారానాయిడ్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్, అవిశ్వాస్ ఔర్ షకీలా వ్యక్తిమత్వ, ఇస్కే బారే మే మే ఆప్సే ఆజ్ బాత్చీత్ కర్నే వాలా హూం. మేరా నామ్ హై డాక్టర్ దీపక్ కేళకర్, మే మనోవికార సెక్స్ రోగ సమ్మోహన్ తథా వ్యసనమూర్తి తజ్ఞ హూం, మహారాష్ట్ర మే అకోలా మే ప్రాక్టీస్ కర్తా హూం. యే జో షకీలే లోగ్ రహతే హై, ఇన్కా స్వభావ షకీలా రహతా హై, వైసా వో పాగల్ నీ రహతే. యే వ్యక్తిమత్వ జో హై నా, వో షకీలా వ్యక్తిమత్వ హై. తో సాత్ उसके क्राइटेरिया है, सात में से यदि चार क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, सात में से चार, तो वो शकीला व्यक्तिमत्व माना जाता है, या शकीला व्यक्तिमत्व है ऐसा उसका डायग्नोसिज्म कर सकते हैं. हमारे आजू बाजू में काफ़ी लोग हम देखते हैं कि वो शकीले स्वभाव के रहते, बाकी वो काम धंधा करते, ड्यूटी पर जाएंगे, धंधा करेंगे, मगर उनका बार बार वो शक करते रहते कुछ ना कुछ, बाकी वो पागलपन की कोई भी निशानी उनमें होंगी नहीं. तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखेंगे. नंबर एक है कि उनको बार बार ऐसा लगता है कि लोग उनको धोखा दे रहे हैं और उनका गलत फायदा उठा रहे हैं, नंबर एक. नंबर दो, उनको ऐसा लगता है कि लोग विश्वास पात्र नहीं है, लोग ईमानदार नहीं है, उनको ऐसा लगते रहता है बार बार. फिर वो कुछ भी बात शेयर नहीं करते लोगों से, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बात शेयर करूँ मेरी ज़िंदगी की तो लोग वो सब फैला देंगे इधर उधर और उसमें से उसको नुकसान होगा, इसलिए वो सीक्रेट नहीं रहेंगे, सब फैला देंगे और उसका फ़ायदा उनके खिलाफ किया जाएगा, मतलब उसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा. नंबर चार, जो भी कुछ लोग बोलते हैं उसका वो गलत अर्थ निकालेंगे, उनको लगता है कि ये कुछ तभी इनका इरादा है ना वो बराबर नहीं है, वो कुछ तभी टोच के बोल रहे हैं, ये मतलब सार्कास्टिक कॉमेंट कर रहे हैं. नंबर पाँच, ये लोग अपमान भूलते नहीं हैं, उनको थोड़ा भी कहीं इंसल्ट हो गया, थोड़ी भी कुछ कमेंट कर दिया तो उनको लगता है कि नहीं ये मेरे खिलाफ़ ये जानबूझ के लोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही उनको दिल को लग जाता है बात. नंबर छः, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनका कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि उनका कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर वो कुछ मतलब ऐसा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कैरेक्टर के बारे में, ऐसा उनको लगता है. और नंबर सात, उनको अपने स्पाउस के खिलाफ, पति या पत्नी के खिलाफ बार बार शक आते रहता है कि इनका कुछ तो भी है. तो ऐसे सात जो लक्षण है उसमें से यदि चार लक्षण हैं तो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माना जाता है. अब ये व्यक्ति काम धंधा करते रहता है, ये नौकरी करेगा, बाकी लोगों से अच्छा बर्ताव करेगा, मगर ये हरदम शक करते रहेंगे, ऐसा पीछे देखते रहेंगे वो, ऐसा उनको लगता है कि कुछ तो भी हो रहा है क्या, और वो उनको लगता है कोई इशारा कर रहा है क्या, कोई इशारा तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोलते नहीं रहा है, क्या मैं लोगों के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ क्या, ऐसा उनको लगते रहते हैं. दे आर नॉट एट ईज एट ऑल, मतलब वो ईज पे रहते नहीं है. इनकी ट्रीटमेंट जो है वो मेनली साइकोथेरेपी है, कि साइकोथेरेपी करना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से उनका इलाज हो सकता है. सम्मोहन उपचार से भी इनका इलाज होता है. ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी अप्रॉक्सीमेटली 14-15 साल के बाद में पाई जाती है, और ये फिर उसका जो अंतिम है वो एक तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में चला जा सकता है, या वो ऐसे ही रह सकता है और अपना जीवन काटते रहता है, खुद को भी तकलीफ, लोगों को भी तकलीफ देते रहता है. तो इसका इलाज जरूर हो जाएगा, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और मेनली साइकोथेरेपी, दवाई कुछ काम में आती नहीं है. ये वीडियो ज़्यादा लोगों को फैलाओ ताकि ऐसे बहुत सारे लोग अपने समाज में हैं, मालूम रहते नहीं है, ऐसा लगता भी नहीं कि पेशेंट है, मगर बाकी लोगों को बहुत तकलीफ उनकी होती रहती है. तो ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा. हमको लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते रहते हैं, हमारे यहाँ लोग आके मतलब तपास के इलाज करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं और लोग अच्छे हो जाते हैं. आप ये वीडियो लोगों को फैलाएंगे, लोगों को जानकारी होंगी और लोग अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.